कि क्या वजह थी मेरी जो मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था, क्यों मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ ज़ारा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी ये देखिए मैं नौमान को झूला करते हुए ये वीडियो जो है वो शुरू कर रही हूँ। अभी वो सो रहा है और अभी हो चुका है वैसे मगरिब का टाइम। तो ये वीडियो जो है वो छोटी सी होने वाली है अपडेट के लिए, क्योंकि मुझे अभी मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा बीच में गैप कर दी हूँ व्लॉग का। बहुत टाइम से, मतलब 1 से 1.5 महीने होने वाले हो गए शायद से कि मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ। बीच में मैंने 1-2 व्लॉग अभी रिसेंट में डाली थी जो कि बहुत पुराने पुराने हो चुके हैं। मीन्स वो व्लॉग भी अभी अभी के नहीं है। लास्ट मैंने अभी ये स्कूटी वाला और उससे पहले 1-2 व्लॉग शायद, पता नहीं कौन सा डाली हूँ। तो ये सब भी जो है वो शूट करके रखा हुआ था, तो बस मैंने एडिट करके मैंने डाल दी। और तो ये वाला जो वीडियो है ये बनाने का मेरा मकसद है। इसमें सिर्फ मैं अपडेट दे रही हूँ आप लोगों को, बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था, क्यों मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। तो अभी नौमान को जैसा कि सुला रही हूँ, तो इससे आप लोग समझो कि बहुत ज़्यादा वाला मुझे ये परेशान कर रहा है। ये एक रीज़न है मेरे वीडियोस ना बनाने का। दूसरा रीज़न है, और अच्छा ये बोलते बोलते पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है। तो ये वीडियो मेन मकसद बनाने का ये है कि मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर के जो है कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब क्या हुआ है, सब ठीक है, तबीयत, मतलब हम दोनों माँ बेटे ठीक है कि नहीं, वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। तो ये बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर के क्वेश्चन थे, तो मैंने सोची कि ये वीडियो मैं बना के शेयर करती हूँ आप लोगों तक। और इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ, कोशिश करूँगी कि अब से मैं कंटिन्यू रहूँ पहले जैसी। ठीक है, अभी हम लोग, तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या वजह थी मेरी जो मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। तो देखिए, सबसे पहला जैसा कि मैंने बोली, नौमान की वजह से बहुत ज़्यादा मस्तीखोर हो गया है और मेरी गोद जो है बिल्कुल वो छोड़ने बंदा तैयार नहीं है। सबसे पहला रीज़न तो ये है। और उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये कि हम दोनों की जो है तबीयत को लेके भी थोड़ा सा चल रहा है, मतलब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बट बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है अभी। वो नॉर्मल थोड़ा है और मेरा ऐसा ना कि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, वो ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। काम करने का दिल नहीं है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, चक्कर आने लग जाते हैं। और ये ज़्यादा करके एक्सेस इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये नौमान जो है वो पूरा के पूरा ब्रेस्ट फीड पे है, तो उसकी वजह से मुझे वीकनेस जो है वो ज़्यादा रह रही है मेरी, नॉर्मल नहीं हो रहा है मेरा सब कुछ। और दूसरा ये कि मेरा खाना पीना मैं बराबर नहीं कर पा रही हूँ, ध्यान खुद पे नहीं दे पा रही हूँ नौमान की वजह से, क्योंकि वो अगर मेरी गोद छोड़ेगा तो मैं खुद पे कुछ ध्यान दे पाऊँगी, तो मैं खुद का नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ। ये रीज़न है सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो हम दोनों का यही सब चल रहा था, कभी उसकी दवाई लेने जा रहे, कभी मेरी दवाई लेने जा रहे, तो हम दोनों का बस हॉस्पिटल का चक्कर ही अभी तक चल रहा था। बीच में तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा भी ख़राब थी, तब से मैंने वीडियोज़ बंद कर दी थी कि ठीक है जब नॉर्मल होंगी, आराम होगा तभी शुरू करूँगी, मैंने यही चीज़ सोची थी। और फिर नौमान तो ठीक है माशाल्लाह से, उसको अभी कोई इशू नहीं है। मेरा हाथ भी दुख गया इतनी देर में, तो उसको ऐसा कोई इशू नहीं है। बस ये है कि वो पहले थोड़ा बहुत जो ऊपर का खा रहा था ना, फ्रूट्स वगैरह खाना, सैलड्स वगैरह, अभी उसने सब कुछ बंद कर दिया, वो बिल्कुल कुछ नहीं ले रहा है, वो टोटल ब्रेस्ट फीड पे है। इस वजह से उसकी भी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो चुकी है, वेट गिर चुका है, अभी उसका वेट बढ़ नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है, ये कुछ चीज़ें मिक्स चल रही थी, जैसे कि हम दोनों की तबीयत और इसका खाना छोड़ देना और इसका चिड़चिड़पन ज़्यादा, इसकी मस्तियाँ ज़्यादा बढ़ती जा रही है वक्त टाइम के साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम में ये हो रहा है कि मैं खा नहीं पा रही हूँ, तो बाकी सब चीज़ों को संभालना थोड़ा सा ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मीन्स के बस ताकत थोड़ी मेरी कम लग रही है, वरना कर तो सब ही रही हूँ, बस ताकत कम लग रही है। इसलिए फिर अभी थोड़ा सा मन भी ऐसा हुआ कि नहीं अभी नहीं करना है ब्लॉगिंग, मतलब बीच बीच में, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा है। खुद को देखने की तो बात ही दूर है, खुद मतलब एक चाय बना लूँ ना मैं तो वो मुश्किल से मेरे लिए हो पा रहा है। सोचो अभी इतना तंग कर रहा है, इतना मस्ती इसकी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर हो गया है। तो
तो ये कुछ चीज़ें थी जो चल रही थी आप लोगों के साथ में शेयर करने का, बहुत टाइम से सोच भी रही थी, वो भी नहीं हो पा रहा था। बट अभी मेरे को रिसेंट में भी एक दो कमेंट अभी पिछली वीडियो में भी आए हैं, तो मैंने सोची पहले मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर करती हूँ, उसके बाद हम लोग जो है व्लॉगिंग मेरी अब कंटिन्यू आगे करूँगी इंशाल्लाह। और बस यही था आज का मेरा हेल्थ अपडेट वीडियो, तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हो सकता है कि आगे वाले आने वाले वीडियोस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे आप लोगों को, क्योंकि अभी ऐसा चल रहा है, कंफर्म नहीं है कि मेरी ननन और मेरे नंदोई उनके बच्चे ये लोग सब भी आने वाले हैं, और देखते हैं अभी क्या होता है, कुछ फाइनल नहीं है, कुछ पता नहीं है। अभी जो भी होगा मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और इस वीडियो को अभी हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।